नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका अनीता यादव। आज मैं आपको कक्षा सातवीं की फर्स्ट कविता है आह्वान, उसको पढ़ाऊंगी आपको। आह्वान कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से सिर्फ एक व्यक्ति को आह्वान नहीं कर रहे, आह्वान का मतलब प्रेरित करना, एक व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर रहे बल्कि पूरी मानव जाति को प्रेरित कर रहे हैं कि पूरी मानव जाति का आह्वान कर रहे हैं, पूरी मानव जाति को प्रेरित कर रहे हैं कि किसके लिए, कर्म के लिए, कि हमें आलसी बनकर भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस कविता का पहला पैसेज है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। यानी कि कवि कह रहा है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, आप पाठ पौरुष का पढ़ो। पौरुष बच्चों परिश्रम यानी कि मेहनत। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। यहाँ ग्रास का मतलब निवाले से है कि अगर हमारे सामने भोजन रख दिया जाए तो वो निवाला यानी कि जब तक हम हाथ से तोड़कर नहीं खाएंगे वो स्वयं मुंह में नहीं जाता, तो ग्रास यानी कि यहाँ निवाले से तात्पर्य है। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। बच्चों यहाँ उद्यम अर्थ मेहनत करने से है, परिश्रम करने से है। देखो अब इसकी व्याख्या देखो, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। यहाँ पे कवि मैथिली शरण गुप्त पूरी मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं कि तुम आलसी बनकर और व्यर्थ में, बेकार में, व्यर्थ यानी कि बेकार में निठल्ले बनकर मत बैठो, तुम मेहनत करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो तुम ऊंचाइयों को छूओगे और तुम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि है भाग्य की क्या भावना, किसी को क्या पता कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य की भावना यानी कि भावना भरोसे, भाग्य की भावना यानी कि भाग्य के भरोसे रहकर मत बैठो, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। हे मानव अब तुम मेहनत करना शुरू कर दो, निठल्ले बनकर मत बैठो। पाठ पौरुष यानी कि मेहनत, पौरुष का अर्थ है मेहनत करना शुरू कर दो, कर्म करना शुरू कर दो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। देखो कवि ने कितनी अच्छी बात कही है यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने। कवि कह रहे हैं कि है सामने, अगर हमारे सामने बच्चों, आपके सामने थाली रख दी जाए और उसमें तरह तरह के पकवान रख दिए जाए, क्या जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे क्या वो पकवान स्वयं आपके मुंह में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। हाँ तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो पकवान उठाना पड़ेगा, हाथ में मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, तभी तो आपके पेट में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। इसलिए कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हमें खाना खाने के लिए भी ग्रास को तोड़ना पड़ता है, निवाले को तोड़ना पड़ता है और वो मुंह तक ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमने मेहनत की है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सामने का ग्रास भी स्वयं तो वो भी मुख में नहीं जाता, यानी कि स्वयं तो हमारे सामने अगर खाना रखा है तो वो भी हमारे मुंह में नहीं जाएगा, उसको भी तोड़कर हमें मुंह तक ले जाना है, फिर वो हमारे पेट में जाएगा और हमारी भूख को शांत करेगा। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहता है कि हे इंसान, हे मनुष्य, तुम मेहनत करना शुरू कर दो, भाग्य के भरोसे बैठे मत रहो। भाग्य के भरोसे बैठकर तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते और कभी भी तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे है, हाँ ध्यान उद्यम का तो तुम्हें कभी आता ही नहीं। कह रहे कि तुम इतने निठल्ले, इतने व्यर्थ, इतने बेकार में बैठे हो, इतने भाग्य के भरोसे हो गए हो कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि हे नहीं, हे मनुष्य नहीं, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो परिश्रम का ध्यान आना चाहिए, तुम्हें तो कर्म करना चाहिए। जब तुम परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तभी तुम अपने जीवन में सफल होगे, तभी तुम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाओगे और तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और ऊंचाइयों को छू पाओगे। दूसरा पैसेज है बच्चों, जो लोग पीछे पड़े थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना मंड रहे, पर कभी तेल बिना
कभी विधि दीप जल सकता नहीं है देव क्या, देव यहाँ भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए है, देव क्या साचे बिना कुछ आप डल सकता नहीं। साचे बच्चों यहाँ पर साचा, जो किसी भी चीज को बनाने के लिए साचा, जैसे मूर्तिकार मूर्ति को तैयार करता है तो उसको बनाने के लिए साचा साचे में डाल के वो मूर्ति तैयार होती है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो उसका पहले साचा बनाता है, कोई भी कुछ आकृति देने के लिए उसका साचा होता है, उसमें डालकर उसको तैयार किया जाता है। अब देखो दूसरे पैसेज में यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे से, कवि कह रहे हैं कि जो लोग अपने जीवन में भाग्य के भरोसे बैठे थे और आप लोगों से पीछे थे, वो अब तुम्हारे से आगे बढ़ गए हैं। कैसे आगे बढ़े? कर्म करके, मेहनत की उन्होंने, दिन रात परिश्रम किया, उन्होंने भाग्य का भरोसा छोड़ दिया और वो इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ गए। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मन रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? देखो कवि ने क्या कहा है दूसरी पंक्ति में, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मन रहे, यानी कि तुम वहीं के वहीं बैठे हो, वहीं के वहीं निठल्ले बैठे हो और क्या कर रहे हो, उन लोगों से जो तुम्हारे से आगे निकल गए उनसे पीछे पड़े हो और अपना दोष, पीछे पड़े रहने का दोष किसे दे रहे हो? उस भगवान को दे रहे हो, उस प्रभु को दे रहे हो, उस भाग्य को दे रहे हो कि हमारे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा है, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है ये काम होगा हमारा, नहीं तो तुम भाग्य को दोष दे रहे हो। कैसे? बिना वजह से, और तुम पीछे निठल्ले व्यर्थ में बैठे हो। पर कभी तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। देखो अब कवि ने कितनी अच्छी बात कही है, अगर तुम दीपक को जला लो, जब तक उस दीपक में तेल बाती नहीं डालोगे, क्या वो दीपक जल सकता है और चारों तरफ उजाला रोशनी दे सकता है? नहीं बच्चों, कभी नहीं देगा। जब तक उसमें तेल नहीं डालोगे, बत्ती बनाकर नहीं डालोगे और तब तक उसको जलाओगे नहीं, अपने आप स्वयं वो जलने वाला भी नहीं है। तो दीपक किसके किससे जलेगा? जब उसमें तुम तेल डालोगे और बत्ती डालोगे तभी वो दिया जलेगा और चारों तरफ क्या कर देगा? रोशनी फैला देगा। तो ये इसी के दीपक के माध्यम से कवि यहाँ इंसान को संबोधित कर रहा है कि हे मनुष्य, तुम भी कर्म करो तभी तो फल मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म कर इंसान, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पर तुम्हें भी कर्म करना है, फल तो तब मिलेगा तब आप कर्म करोगे, ठीक है बच्चों? तो हमें कर्म करना चाहिए, व्यर्थ में बेकार में निठल्ले बनकर नहीं बैठना चाहिए। है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। यहाँ पे देव यानी कि भगवान भी कह रहे हैं कि जब मूर्तिकार कोई मूर्ति को बनाता है तो भी वह उसको साचे में डालकर ही बनाता है, बगैर साचे तो कुछ भी ढल सकता नहीं, साचे के बगैर कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसलिए हे मनुष्य, तुम भी मेहनत करो, मेहनत करोगे और परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आगे तीसरे पैसेज में बता रहा है कवि यहाँ पे, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें छोटे बड़े ऊंच नीच इन सब बातों को भुला देना चाहिए, यानी कि हमें सबको पूरे देश बांधव यानी कि सभी पूरे देश के नागरिकों को सभी बहन भाइयों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, मिलकर यानी कि इस तरह से रहना चाहिए जैसे हमारे सभी हमारे गले के हार हो, यानी कि हमारे सभी बहुत ही करीबी और नजदीकी हो। साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में, और हम सभी का उद्देश्य भी यह होना चाहिए कि हम सभी प्रेम से एक दूसरे से समाज में प्रेम से रहें और अपने समाज में शांति को बनाए रखें। क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता है? एक के बच्चों यहाँ एकता है, एक के का तात्पर्य यहाँ एकता से है, यानी कि कह रहे हैं कि सांप्रदायिक भेद से क्या हम सांप्रदायिक दंगों में फंसे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति मतभेद की भावनाएं हमारे मन में पैदा होती रहेंगी और हम एक दूसरे को छोटा बड़ा मानते रहेंगे, ऊंच नीच, ये तो हिंदू है ये मुस्लिम है, इस तरह के हमारे मन में अगर विचार आएंगे तो कभी भी हम एकता को अपने समाज में एकता को स्थापित नहीं कर सकते। क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता है? एकता हो यानी कि हम सांप्रदायिक मतभेद अगर हमारे मन में रहेंगे तो हम अपने समाज में कभी भी एकता स्थापित नहीं कर सकते। बनती नहीं क्या एक माला विविध, देखो विविध सुमनों की कहो, यहाँ पे देखो कवि ने कितनी अच्छी बात कही है, सुमन यहाँ फूलों से मतलब है, विविध यानी कि अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि सुमन फूलों से। देखो एक माला में जब एक माला अनेक प्रकार के फूलों से बन सकती है तो क्या हम समाज में अनेक
प्रकार के जो नागरिक हैं, छोटे बड़े ऊंच नीच के, क्या हम वो सब मिलकर नहीं रह सकते और सब हम मिलकर समाज में एकता स्थापित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे एक माला में भी तो अनेक प्रकार के फूलों को पिरो दिया जाता है और वो कितनी सुंदर लगती है, इसी तरह से हम भी अपने समाज के सभी नागरिक भाई बहन अगर मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, तो हम भी सभी का एक दूसरे का गले का हार बन सकते हैं। कवि यही कहना चाहते थे बच्चों। अब देखो, अब ये मैंने आपको पूरी व्याख्या आपको समझा दी है। जब अगर आप इसको फेयर नोटबुक में उतारोगे तो आपको एडिटीज ऐसे नहीं उतारनी है बच्चों। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम व्याख्या करते हैं किसी भी पैसेज की, तो हमें सबसे पहले संकेत लिखना होता है। जैसे अगर हम इस पैसेज की व्याख्या कर रहे हैं, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पोर उसका पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। अगर हम यहाँ तक किसी इस पैसेज की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले संकेत लिखना होगा बच्चों। और संकेत में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्याख्या करने से पहले हम संकेत लिखेंगे। और संकेत में बच्चों हम जैसे लिख देंगे, बैठे हुए हो और इस लास्ट पंक्ति का कभी आता नहीं, तो हम ये समझ जाएंगे सामने वाला जो आपकी नोटबुक चेक करेगा या परीक्षा में भी अगर आप करते हो तो ऐसे ही करना है आपको, तो समझ जाएगा कि बच्चा कौन से पैसेज की व्याख्या कर रहा है। तो संकेत सबसे जरूरी है बेटा, इस तरह से संकेत लिखना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग एवं संदर्भ, उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग एवं संदर्भ कि हमारी ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, कौन इसका राइटर है, किसने लिखा है, इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहा है। तो उसके बाद हम प्रसंग एवं संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग एवं संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, जो ये पद्यांश है ये, या फिर पंक्तियां, प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संकल्प हिंदी पाठमाला पाठ एक कविता आह्वान के अंतर्गत से ली गई है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, यानी कि कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रसंग एवं संदर्भ कंप्लीट, उसके बाद आप व्याख्या लिखोगे। व्याख्या में आपको पूरा इसका सरलार्थ, अगर ये चार पंक्ति का है तो आपने इसको बढ़ा चढ़ाकर पूरा आठ पंक्ति में लिखना है, कम से कम आठ दस पंक्ति में आपको लिखना है। व्याख्या हो गई, इसके बाद आपको भावार्थ लिखना है। भावार्थ यानी कि जो आपने आठ दस पंक्ति लिखी है उसका निचोड़, यानी कि व्याख्या में आपने आठ दस पंक्ति लिखी है लेकिन उसका निचोड़ आपको सिर्फ दो पंक्तियों में ही देना है कि कवि क्या कहना चाहता है इसमें, कि इंसान को कभी व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए, भाग्य के भरोसे न रहकर हमें कर्म करना चाहिए। हो गया। उसके बाद आपको विशेष लिखना है बच्चों। विशेष में कवि ने कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया है, भाषा शैली सरल सटीक है, बोधगम्य है, विषय के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, छोटे शब्दों का प्रयोग किया है ताकि समझने वाला आसानी से समझ जाए। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।